मेरे साथ चलें। मैं आपको ले आया हूं 15वीं शताब्दी के त्रिपुरा में, और ये है महाराजा धर्ममाणिक के प्रथम का राज दरबार। महाराज ने आज एक खास वजह से अपने चेनतई दुर्लभेंद्र को बुलवाया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप केवल शास्त्रों के ही ज्ञाता नहीं, आपको हमारे राजवंश का संपूर्ण इतिहास भी कंठस्थ है। मेरी इच्छा है कि आप सरल भाषा में वो कथा हमें सुनाएं और हमारे राज कवि बाणेश्वर और शुक्रेश्वर उसे ग्रंथ का स्वरूप दें। हे धर्मावतार, आपकी ये इच्छा श्रेष्ठकर है, इसलिए मैं इसे अवश्य पूरी करूंगा। त्रिपुरा पर शासन करने वाले चंद्रवंश का इतिहास इतना ओजस्वी है कि उसे बार बार कहा और सुना जाना चाहिए। प्राचीन काल में चंद्रवंशी सम्राट ययाति के 5 पुत्र हुए, पुरु, यदु, तरवसु, अनु और द्रुहयु। सभी ने अलग अलग दिशा में जाकर अपने राजवंशों की स्थापना की। द्रुहयु दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गए और कपिल मुनि के आशीर्वाद से सागर द्वीप में अपना राज्य स्थापित किया। कपिल मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, त्रिवेग नागरिम शुभम। महाराज द्रुहयु के 27वें वंशज पूर्व दिशा की ओर गए, जहां उन्होंने किरातों को परास्त किया। वहीं ब्रह्मपुत्र और कपिला नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया गया, जिसका नाम त्रिवेग था। त्रिपुरा केवल एक शब्द नहीं, कृपा है शिव और शक्ति की। पीठमाला तंत्र में स्वयं महादेव ने ये घोषणा की है कि धरती पर जहां भी माता सती के अंग गिरे, वहीं शक्ति पीठ की स्थापना हुई। उसी ग्रंथ में संकलित एक श्लोक में कहा गया है, त्रिपुरा में देवी का दाहिना पैर गिरा। पूजनीय देवी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है, और यहां स्थापित शिव का नाम त्रिपुरेश भैरव हुआ। और इस तरह शुरुआत हुई एक कीर्तिवान राजवंश की, जिसने करीब 3000 साल तक आर्यवर्त के इस महान भाग पर शासन किया। महाभारत, पुराण और अनगिनत शास्त्रों में त्रिपुरा का उल्लेख मिल जाता है। इसके अलावा कई प्राचीन पुरालेखों के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथों में भी त्रिपुरा का वर्णन किया गया है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं, भाटी प्रांत के पास एक आजाद राज्य है, इसे त्रिपुरा कहते हैं। इसके राजा का नाम विजय माणिक्य है। इस राजा के पास 2,00,000 पैदल सेना और 1,000 हाथी हैं। त्रिपुरा के इतिहास से तो आप परिचित हो गए, अब इस कथा के सूत्रधार से भी मिल लीजिए। शुभ्र कांति, उज्जवल मुख, उन्नत गुंबद, राजसी छप, सारा विश्व मुझे सम्मान से उज्जयंत महल कहकर पुकारता है। मेरा नामकरण किसने किया या रहस्य इतिहास में कहीं खो गया है, परंतु मेरी नींव में मिले ताम्र पत्र पर लिखे संस्कृत श्लोक में मेरा नाम मिल जाता है। 1857 के भूकंप में अगरतला का राजमहल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तब महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में मेरा निर्माण करवाया। मेरी इमारत में रोमन और मुगल कला का मिश्रण देखा जा सकता है। अपने 2 तालाबों और दोनों तरफ बने खूबसूरत फूलों के बागों के साथ मैं आगंतुकों का स्वागत करता हूं। यहाँ के पर्वत त्रिपुरा वासियों के अदम्य स्वभाव के चिन्ह हैं। नदियां जैसे कला और संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब। यहाँ के उदार जंगल जीवन को आश्रय देते हैं, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वैदिक कवियों की कल्पना से अद्भुत है। Bye.
त्रिपुरा राज्य के शाही प्रतीक पर उकेरा गया संस्कृत वाक्यांश यहाँ के वीरों का उद्घोष भी है और प्रेरणा भी। किल विदुर वीरता सार में कम, वीरता से अधिक आवश्यक और कुछ भी नहीं। ऐसे महान आदर्श वाले वीरों की भूमि पर शिव और शक्ति परोक्ष रूप में बसते हैं, तो धर्म यहाँ के नरेशों के रूप में प्रत्यक्ष अवतार लेता रहा। यहाँ 184 शूरवीर धर्मावतार राजाओं ने राज किया। वे संघर्ष के लिए सदा प्रस्तुत रहे और बलिदान के लिए सदैव तत्पर। त्रिपुरा के प्रथम नरेश से लेकर अंतिम शासक ने अपना सर्वस्व देकर इस परंपरा का निर्वाह किया। इस राजवंश के अंतिम प्रजापालक महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को याद करता हूँ तो याद आता है उनका समर्पण, त्रिपुरा को विकसित करने और आधुनिक बनाने की उनकी प्रतिबद्धता, और साथ ही याद आता है वो एक दिन जब नेति ने हमसे विश्वासघात किया। मई 1947, भारत की स्वतंत्रता अब केवल 3 महीने की दूरी पर थी। भारी अनिश्चितता का समय था। देश की तरह ही राज्य में भी विघटनकारी शक्तियां सर उठा रही थीं, परंतु महाराज का आश्रय था सो जनता निश्चिंत थी। अपने कर्तव्य के प्रति सजग महाराज वीर विक्रम हर गतिविधि पर नजर रखे थे, पर इस बीच रोग ने उन्हें आ घेरा। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अफरा तफरी में कोलकाता के प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलवाया गया। महाराज की सांसें उखड़ने लगी थीं। उन्होंने कमरे में लगे भगवान शिव के चित्र को देखा। भूपाल और भगवान के बीच जैसे एक मूक संवाद हुआ। हे महादेव, 15 साल की आयु में जब मुझे धर्मासन पर बिठाया गया था, तब से अब तक एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने त्रिपुरा के उत्थान के बारे में ना सोचा हो। यह दायित्व ही तो मेरे जीवन का आधार बिंदु है। आज जब मेरी प्रजा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या मुझे प्रयास करने का अवसर भी नहीं देंगे प्रभु? मन पर ये बोझ लिए 17 मई 1947 के दिन महाराज का देहांत हो गया। धर्म का पार्थिव स्वरूप लुप्त होते ही अधर्म का तमस बढ़ने लगा। जो बात पहले तभी जमान में कही जा रही थी, वो अब सड़कों पर गुर्राते नारों में सुनाई देने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। राज्य का अस्तित्व दांव पर लगा था, पर भय था हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा और संस्कृति के विलुप्त हो जाने का। परंतु ऐसी चुनौतियां त्रिपुरा के लिए नई कहां थी? काल की परिक्रमा के लिए निकलता हूं तो 13वीं सदी पर आकर रुक जाता हूं। ये वो समय था जब तलवार लहराते बर्बर आदताई राज्य की सीमा लांघने लगे थे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में त्रिपुरा का राजकाज महाराजा चेंगथोम्पा ने संभाला। एक दिन शिकार खेलते हुए महाराज ने जंगली वराह को अपने तीर का निशाना बनाया, परंतु उसी समय उस वराह को राजकुमारी नाइथोक्ति का तीर भी आ लगा। संयोग से इन दोनों का मिलना हुआ, जिसका परिणाम विवाह था। किंतु ये बात कोई नहीं जानता था कि इस संयोग का बड़ा प्रभाव त्रिपुरा के भविष्य पर पड़ने वाला था। बंगाल और त्रिपुरा की सीमा पर मेघना नदी बहा करती थी। जब बंगाल पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हुआ तो त्रिपुरा भी सुरक्षित ना रहा। बंगाल की ओर से लूटपाट करने हिरावंत खान अक्सर त्रिपुरा में घुसपैठ करने लगा। महाराज चेंगथोम्पा ने लुटेरे को खदेड़ भगाया, परंतु हिरावंत खान फिर लौटा और इस बार उसके साथ गौर की विशाल तुर्की सेना भी थी। महाराज असमंजस में पड़ गए।
महाराज, आप यहां एकांत में? बाहर सभी सेनाध्यक्ष आपकी राह देख रहे हैं। सेना अध्यक्षों से मिलकर कहूंगा क्या महारानी? हिरावंत खान की सेना से टक्कर लेना आत्मघात है। समर्पण से तो मृत्यु उत्तम है। आप समझ नहीं रही हैं महारानी, सुबह से मेरी आंख भड़क रही है, ये शुभ संकेत नहीं है। धर्मावतार, जब शत्रु द्वार तक आ पहुंचे तो वीर पुरुष की भुजाएं भड़कती हैं। यदि आपको अनिश्चय ने स्तब्ध कर दिया है तो हिरावंत खान का मुकाबला मैं करूंगी। और महारानी ने ऐसा ही किया। विकराल गज पर सवार महारानी नैथोक्ति क्रुद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी का रूप लग रही थी। उनका हाथी ऐसे गरजता था मानो इंद्र के एरावत को चुनौती दे रहा हो। महारानी की चीत्कार ने त्रिपुरा की सेना को और अधिक प्रोत्साहित किया और अपने पराक्रम से त्रिपुरा के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा की। 1240 में हुए इस युद्ध में त्रिपुरा की जीत हुई और महारानी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात। परंतु यह समर आने वाले विकट समय की चेतावनी बनकर आया था। 15वीं सदी के अंत में महाराज धन्यमाणिक्य का उदय हुआ, जो उतना ही नाटकीय था जितना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्य प्राप्त करना। षड्यंत्रकारी सभासदों और सेनापतियों का वध कर उन्होंने अपना अधिकार पाया। महाराज धन्यमाणिक्य का सामना बार बार बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह से हुआ। अपनी सामरिक सूझबूझ और छापामार युद्ध पद्धति के चलते वे हमेशा हुसैन शाह पर भारी पड़े और उन्होंने बंगाल का काफी हिस्सा भी अपने अधीन कर लिया। एक युद्ध में तो इनके सैनिक हुसैन शाह की एक तोप को भी उठाकर अपने साथ त्रिपुरा ले आए। महाराज धन्यमाणिक्य ने कई युद्ध अभियान चलाए। एक ओर कुकियों के किले पर अद्भुत तरीके से चढ़ाई कर उन्हें हराया और बर्मा तक अपने राज्य को फैला दिया, तो दूसरी तरफ आरकान को जीतने के लिए सतत प्रयास किया। महाराज के विश्वास पात्र सेनापति राय कचार और उनके छोटे भाई राय कौसुम उनके अभेद कवच और प्रमुख शस्त्र थे। दोनों ही प्रखर वीरों ने कई युद्धों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। पराक्रम के साथ साथ महाराज धन्यमाणिक्य में रचनात्मक ऊर्जा भी कूट कूट कर भरी थी। उनके राज्य में सीमाओं के विस्तार के साथ साथ कला का भी प्रसार हुआ। उनके द्वारा बनवाए गए चतुर्दश देवता मंदिर, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और भैरव मंदिर इस बात को सिद्ध करते हैं। महाराज धन्यमाणिक्य ने अपने मानवतावादी पक्ष से परिचित करवाते हुए ये संदेश दिया कि वीरता केवल शत्रु का सामना करने में नहीं, जन कल्याण में बाधक बन चुकी हानिकारक परंपराओं को चुनौती देने में भी है। महाराज, बलि देना तो अति आवश्यक है। देवी देवता प्रसन्न होंगे तभी तो राज्य समृद्ध होगा और आपके यश में वृद्धि होगी। मैं आप सभी पुरोहितों का आदर करता हूँ, परंतु हर वर्ष हजारों निर्दोष पशुओं और युवकों का रक्त बहाने से मिलने वाले यश से मुझे अब यश प्रिय है। अब तो धर्मावतार हैं, आप धर्म विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा धर्म मुझे दया और सत्य आचरण सिखाता है। अपने मंदिरों में लगे शिल्पकारों को मैंने सदा उनके श्रम का सही दाम दिया है। हाँ, यदि चाहता तो धर्म के नाम पर और बल प्रयोग कर उनसे निशुल्क काम करवाता, तब मुझ में और यवनों में क्या अंतर रह जाता? मेरे लिए धर्म वही है जिसमें सबका कल्याण हो। इसलिए यह आदेश है मेरा कि अब से निर्दोष युवकों की बलि नहीं होगी। महाराज धन्यमाणिक्य ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने बाद आने वाले राजपुरुषों को सदा ही प्रेरित किया। 17वीं सदी में राजपथ पर नियुक्त हुए महाराज गोविंद माणिक्य ने तो अपनी अहिंसावादी और दयालु प्रवृत्ति के कारण
अपना राजपाट तक गवा दिया। वे जंगलों में भटके, फिर भी कभी सतपथ को नहीं त्यागा। 1660 ईस्वी में महाराज गोविंद माणिक्य आरकान में निवास कर रहे थे। आपसी संघर्ष के चलते उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। उन्हें खोजते हुए मुगल शहजादा शुजा आरकान पहुंचे और उनसे सहायता मांगी और उन्होंने आश्रयदाता का धर्म निर्भय होकर निभाया। इस बात की खबर शुजा के भाई औरंगजेब तक भी पहुंच गई। शुजा को क्या लगता है, वो त्रिपुरा में जा छिपेगा तो मेरी शमशीर से बच जाएगा? त्रिपुरा के राजा के नाम एक शाही फरमान जारी करो और उन्हें कड़े लफ्जों में समझा दो कि मुगलिया सल्तनत से बेअदबी करने का क्या अंजाम होता है। एलजी को फौरन से पेशतर रवाना किया जाए। औरंगजेब का चेतावनी भरा फरमान अब आरकान की तरफ रुख कर गया था। तो क्या धमकी दी है हमारे भाई ने? कहलवाया है कि मुझे उम्मीद है कि आप शुजा को गिरफ्तार कर लेंगे और अपने फौजियों की निगरानी में उसे मेरे पास एहतियात से भिजवा देंगे ताकि हमारी पुरानी दोस्ती बनी रहे। हमारा हुक्म ना मानने का अंजाम हमारे रिश्ते के लिए अच्छा ना होगा। अब आप क्या करेंगे महाराज? अपने सिद्धांतों के लिए मैंने राजसी सुख का भी परित्याग कर दिया। शरणागत का धर्म में अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। आप जब तक हमारे पास रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। अपने इन्हीं विचारों के चलते महाराज गोविंद माणिक के राज ऋषि कहलाए। उन्होंने त्रिपुरा की सत्ता फिर प्राप्त की और एक कल्याणकारी राजतंत्र स्थापित किया। माणिक्य नरेशों ने हमेशा प्रजा हित की राजनीति की, पर जब उन पर युद्ध थोपे गए तो उन्होंने अद्वितीय पराक्रम भी दिखाया। महाराज देव माणिक्य, विजय माणिक्य, अमर माणिक्य, राजधर माणिक्य, यशोधर माणिक्य और कल्याण माणिक्य जैसे बलिदान पथि राजाओं ने बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अपनी जनता को आश्रयहीन नहीं किया। महाराज कृष्ण माणिक्य का शमशेर गाजी से लंबा संघर्ष चला। अपनी प्रजा को शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए 1760 में महाराज ने उदयपुर की जगह पुराने अगरतला को अपनी राजधानी बनाया, परंतु शांति कुछ ही समय के लिए मिल पाई। अंग्रेजों के पांव भारत में पड़ चुके थे। 1761 से त्रिपुरा और ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध के मैदान में महाराज कृष्ण माणिक्य का पलड़ा हमेशा भारी रहा, परंतु अपनी कूटनीति से अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत करते गए। समय तेजी से बदला, मुगलों का पतन हुआ और अब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इस परिवर्तन के बाद भी माणिक्य अपना कर्तव्य निभाते रहे। 1838 में महाराज कृष्ण किशोर माणिक्य ने वर्तमान अगरतला की नींव रखी। फिर आगमन हुआ उस राजपुरुष का जो त्रिपुरा में आधुनिकता की लहर लाने वाला भगीरथ बना। 1862 में महाराजा वीर चंद्र माणिक्य ने सत्ता संभाली। अब निरर्थक युद्ध बंद हो चुके थे और प्रगतिशील विचारों से त्रिपुरा की रूपरेखा बदलने लगी थी। अपने सतपथ गामी पूर्वजों की तरह ही महाराजा वीर चंद्र माणिक्य ने सामाजिक कुरीतियों पर घात किया। सती प्रथा बंद हुई, दास प्रथा से त्रिपुरा को मुक्ति मिली। जहाँ एक ओर सामाजिक सुधार हो रहे थे, वहीं नई व्यवस्थाओं का गठन भी हो रहा था। महाराज का सबसे बड़ा योगदान कला के प्रोत्साहन के रूप में रहा। वे वास्तव में संगीत, साहित्य, लोक साहित्य और फोटोग्राफी के पारखी थे। महाराजा वीरचंद्र की फोटो कला इतनी व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई कि अमेरिका की फोटोग्राफिक पत्रिका प्रैक्टिकल फोटोग्राफर ने अपने एक अंक में महाराजा की सचित्र जीवनी प्रकाशित की। महाराज नए नए प्रयोग करने के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपने ही कैमरे से खुद अपनी और महारानी की तस्वीरें ली। ये इतिहास की पहली सेल्फी थी। विविध कलाओं को संरक्षण देने के साथ साथ वे स्वयं एक प्रवीण संगीतज्ञ और कवि थे। महाराजा पेंटिंग में भी माहिर थे। उन्होंने अपने पूर्वज राजाओं के चित्र बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कलाकार को नियुक्त किया।
उनकी कल्पना और प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। 1857 के गदर के बाद जब अवध का पतन हुआ, तब महाराज ही थे जिन्होंने आश्रयहीन कलाकारों को अपने दरबार में स्थान दिया। उनके दरबार के नवरत्नों में देश भर से आए कलाविद शामिल थे और जल्द ही वे भारत के महानतम कवि के संपर्क में भी आए। अपनी जीवन संगनी महारानी भानुमती देवी की अकस्मात मृत्यु से संतापित महाराज को शोक सागर से उभारा एक युवा कवि द्वारा रचित कविता भग्नो हृदय ने उस प्रतिभावान परंतु अनजान कवि का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इस घटना के बाद से त्रिपुरा के राज परिवार और टैगोर में एक अटूट संबंध बन गया। टैगोर ने महाराज की सहायता से त्रिपुरा के इतिहास का अध्ययन किया और उसे अपनी अमर कृतियों राजऋषि, विसर्जन और मुकुट में स्थान दिया। महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के बाद महाराजा राधा किशोर माणिक्य से भी टैगोर के घनिष्ठ संबंध रहे। त्रिपुरा के राज परिवार ने भी शांति निकेतन और अन्य सुधार कार्यों में टैगोर को आर्थिक और नैतिक समर्थन देकर अपनी मित्रता निभाई। ब्रिटिश राज त्रिपुरा के लिए शांति का काल रहा, परंतु जब जब पराक्रम दिखाने का अवसर आया, त्रिपुरा के रणबांकुरों ने अपनी वीरता से विजयश्री और प्रशंसा बटोरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी फौज भारत की ओर अग्रसर थी, तब त्रिपुरा ने बर्मा में हो रहे युद्ध के लिए अपनी सेना भेजी और भारत पर जापानी आक्रमण को रोकने में एक महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई। महाराजा वीर विक्रम द्वारा तैयार की गई फर्स्ट त्रिपुरा राइफल्स ने जापानी अतिक्रमण को कुचल कर रख दिया। अंग्रेज अफसरों से सम्मान और प्रशंसा पाकर त्रिपुरा के वीरों ने मातृभूमि को गौरव प्रदान किया। उच्च आदर्शों और महान नरेशों वाला माणिक्य राजवंश कभी भी अपने राजधर्म से विमुख नहीं हुआ, परंतु हर उज्जवल सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर अस्त हो ही जाता है। भारत की आजादी से 3 महीने पहले महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का निधन त्रिपुरा के लिए प्रलय के समान था। उनके बाद उनके 14 वर्षीय पुत्र महाराजा किरीट विक्रमा किशोर माणिक्य को त्रिपुरा का राजा घोषित किया गया और शासन की बागडोर उनकी माता महारानी कंचन प्रभा महादेवी ने संभाली। परंतु महाराज वीर विक्रम की मृत्यु के बाद एक दिन ऐसा नहीं बीता जब राज्य में दंगा फसाद ना हुआ हो। यदि महाराजा वीर विक्रम 3 महीने और जीवित रहते तो वे मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन से होने वाले विध्वंस को रोक सकते थे। त्रिपुरा की सरकार अराजकता की ओर बढ़ रही थी, हर तरफ मारकाट मची थी और उस पर त्रिपुरा पर पाकिस्तान का कब्जा होने का खतरा अलग से था। इस घोर निराशा के काल में एक बार फिर नारी शक्ति ने राज्य की रक्षा की। 13वीं सदी में महारानी त्रिपुरा सुंदरी ने दुश्मन से लोहा लेने के लिए तलवार उठाई थी। अब वर्षों बाद क्षत्राणी कंचन प्रभा महादेवी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। त्रिपुरा के कई महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आंदोलन किया और महारानी की शक्ति बढ़ाई। महारानी ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल को त्रिपुरा के हालात से अवगत कराया। बाद में महारानी खुद नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पटेल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने गईं। अतिरिक्त बलों को त्रिपुरा भेजा गया और राज्य की स्थिति में सुधार हुआ। 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा विलय समझौते पर महारानी ने हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा भारत का पाटसी राज्य बन गया। माणिक्य राजवंश का गौरवशाली राज्य काल पूर्ण हुआ और त्रिपुरा एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला। आज त्रिपुरा भारत का बेशक 3रा सबसे छोटा राज्य है, परंतु इसकी परिधि में हजारों वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास है, उत्कृष्ट कला है, विस्तृत ज्ञान है और संजोई हुई धरोहर है भारत की संस्कृति की।
त्रिपुरा का श्रेष्ठ संसाधन उसके नागरिक हैं, जिन्हें विरासत में वो गुण मिले हैं जो इस राज्य को निरंतर चरमोत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को बुनियादी शिक्षा मुफ्त दी जाती है और साक्षरता में त्रिपुरा देश के कई राज्यों से काफी आगे है। जहाँ एक और इस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का अमूल्य भंडार है, वहीं यहाँ के मंदिर, महल और प्राकृतिक सौंदर्य हर वर्ष अनगिनत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। त्रिपुरा नाम की कागर में संभावनाओं का असीम सागर है। तिल विदुर वीरता सार में कम का आदर्श अपने दिल में लिए कर्मठ त्रिपुरा वासी अपने राज्य को देश का गौरव बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। सबकी मंशा बस यही है, ओजस्वी त्रिपुरा, तेजस्वी त्रिपुरा, उज्जंत त्रिपुरा की युग युगांतर तक जय हो।